हेलो एवरीवन, एंड दिस इज एडवोकेट राधिका शर्मा इंटर्निंग विद लेक्सिस एंड कंपनी. सो लेट्स ब्रिंग योर अटेंशन, जो आज का हमारा टॉपिक है इज पुलिस कस्टडी. सो लेट्स गेट राइट इन टू अर टॉपिक. तो इन लाइक पुलिस इन पुलिस कस्टडी मीन्स दैट एन अक्यूज्ड स्टे इन द लॉकअप ऑफ अ पुलिस स्टेशन और एटलीस्ट इन द फिजिकल कस्टडी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड प्रोबिंग द लाइक जो भी उनका कंसर्न मैटर होगा उसमें. लाइक सिंपली मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसमें अक्यूज्ड जो है वो होता है इन अ पुलिस स्टेशन और प्रिजन सेल और द कस्टडी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोबिंग इनटू द मैटर. एंड सून लाइक सून आफ्टर द अरेस्ट जो एन अक्यूज्ड कैन बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी फॉर अप टू 24 hours. एंड इसमें जो इट इज़ द मजिस्ट्रेट हु डिसाइड वेदर ही और सी शुड स्टे इन पुलिस कस्टडी और लाइक कैन बी रिमांडेड और लाइक बी रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी. एंड द नेक्स्ट इज पुलिस कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days. एंड इस कस्टडी जो पुलिस है वो कैन इंटरोगेट कर सकती है द अक्यूज डायरेक्टली विदाउट एनी अथॉरिटीज़ परमिशन एंड विदाउट किसी परमिशन के दे है वो अथॉरिटी कि वो किसी भी लाइक पर्सन को डायरेक्टली इंटरोगेट कर सकते हैं. किसी भी नहीं, एज एन जो अरेस्टेड पर्सन है उसको, जो पुलिस कस्टडी के अंदर है उस पर्सन को. पुलिस कस्टडी जो सिक्योरिटी होगी इज गिवन बाय द पुलिस. एंड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ जुडिशियल कस्टडी. जैसे पहले हमने पुलिस कस्टडी के बारे में बता दिया, नाउ व्हाट इज़ जुडिशियल कस्टडी. इसमें इन जुडिशियल कस्टडी अक्यूज इज लॉक्ड अप इन जेल एंड अंडर द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट. एंड जुडिशियल कस्टडी में कैन नॉट जो पुलिस है कैन नॉट इंटरोगेट विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट. यानी उसमें अगर आपको उस लाइक अरेस्टेड पर्सन की इंटरोगेशन करनी है तो आपके पास में मजिस्ट्रेट का परमिशन लेटर होना चाहिए. आप उसके बिना पे नहीं कर सकते और अगर कोई भी ऐसा करता है तो इट इज़ इलीगल. एंड जुडिशियल कस्टडी में कैन बी लाइक एक्सटेंडेड टिल 90 days इन केसेज which have punishment for more than 10 years and 60 days in cases of other offenses. यानी अगर 10 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट है तो जो जुडिशियल कस्टडी है वो लाइक 19 days एक्सटेंड की जा सकती है. एंड जो अदर ऑफेंसेज होते हैं उसमें 60 days अलाउड है. एंड जुडिशियल कस्टडी में जो सिक्योरिटी दी जाती है अरेस्टेड पर्सन को और जो कस्टडी में है पर्सन इज़ गिवन बाय अ मजिस्ट्रेट. ओ थैंक यू फॉर टुडे. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.